जो नारदेव के दमुआ में हर वर्ष के प्रत्येक फागुन माह आने वाली महाशिवरात्रि के पर्व पर भरने वाले महादेव मेले का संस्मरण आते ही तमाम दुर्गम पहाड़ियां, घने वनाचल और साथ ही में आड़ी तिरछी पगडंडियों के लंबे लंबे मार्ग ध्यान हो उठते हैं और इस महादेव मेले के लिए जहां मध्य प्रदेश के दर्शनार्थी यात्रियों का जत्था बड़ी मात्रा में चोरागढ़ पर्वत की यात्रा पर आता है और जिनकी यात्रा इस वर्ष भी सकुशल चल रही है। वही मध्य सीमांत से लगे हुए महाराष्ट्र प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ और गुजरात तक से भी यात्रियों के आने का क्रम चोरागढ़ पर्वत की यात्रा पर बढ़ने लगा है, जबकि यह मेला सर्वाधिक महाराष्ट्र प्रदेश के दर्शनार्थियों के आगमन का ही प्रतीक हुआ करता था। वहीं विगत कुछ वर्षों से दुर्गम पहाड़ी वनाचलों के लोकप्रिय होने से अब अनेक जिलों व प्रांतों से दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बहरहाल पैदल पथ यात्रा के लिए लगभग 3 से 4 दिनों की यह महादेव दर्शन की यात्रा हर हर महादेव सेवा भगत सेवा के जय घोष से गूंज होकर अंत में चोरागढ़ पर्वत पर भगवान शंकर की विशाल संगमरमरीय प्रतिमा के दर्शन पूजन के बाद होशंगाबाद जिले की सीमा में स्थित प्रदेश के मानचीन हिल स्टेशन व मिलिट्री संरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी के समीप हीवर नामक दुर्गम और प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर दर्शनीय स्थल पर जाकर समाप्त होती है, जबकि अनेकानेक यात्री गण पचमढ़ी के जटाशंकर, पांच पांडव गुफा आदि के भी भ्रमण लाभ का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा का पड़ाव पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए जुन्नारदेव से अनिल साहू की रिपोर्ट।